जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे जो AK-203 असॉल्ट राइफल है उसके बारे में, और हम आज इसके सारी खूबी और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी अंत तक देखें। जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसने फैसला किया है, जो हमारी आर्मी की असॉल्ट राइफल है जो काफी पुरानी हो चुकी है, इंसास उसको रिप्लेस किया जाएगा जो AK-47 का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है AK-203 असॉल्ट राइफल से, और इसको बनाती है रशियन क्लासिनकोप कंसर्न, और उसके साथ टाई अप किया जाएगा भारतीय कंपनी द्वारा, मतलब जो ऑर्डिनेंस बोर्ड फैक्ट्री है वो उसके साथ टाई अप करेगी और एक संयुक्त फैक्ट्री लगाई जाएगी। इसके तहत AK-203 है उनको मेक इन इंडिया मतलब भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस नई कंपनी का नाम होगा इंडो रशिया राइफल लिमिटेड, और इसको स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के एक जिला है अमेठी में, वहां पे इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा ऑर्डिनेंस बोर्ड फैक्ट्री की जो असेंबली लाइन है वहां पे, और इसका जो शिलान्यास कल यानी 3 मार्च को प्रधानमंत्री और जो हमारी रक्षा मंत्री है उन्होंने कर दिया। इसमें जो राष्ट्रपति पुतिन है जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनका भी एक संबोधन पढ़ा गया था उद्घाटन समारोह में। तो अब जानते हैं जो रशियन जो AK-203 है असॉल्ट राइफल है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ खासियत के बारे में। सबसे पहले इसको सेना को दिया जाएगा, उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जैसे CRPF, BSF, ITBP, CISF इनको दिया जाएगा, उसके बाद जो हमारे देश के जो राज्य है उनकी जो पुलिस फोर्स है उसको भी प्रोवाइड की जाएगी AK-203। अगर उसके बाद सबसे पहले तो इसको सेना को दिया जाएगा, 1 से 3 साल के भीतर इनको सेना को सौंप दिया जाएगा। करीब करीब 7.5 लाख असॉल्ट राइफल बनेगी AK-203, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस को, उसके बाद हम दूसरे देशों को इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। इस प्रकार से ये पूरी जो संयुक्त कंपनी बनाई गई है ताकि इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। अब जानते हैं इसकी कुछ खासियत के बारे में। AK-203 जो असॉल्ट राइफल है इसका जो वजन है वो करीब करीब 3.5 किलो है, इसकी जो लेंथ है वो करीब करीब 94.3 सेंटीमीटर है, अगर इसके बैरल की लेंथ की बात करें तो वो 41.5 सेंटीमीटर है। AK-203 है वो AK-103 जो असॉल्ट राइफल थी उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है, और ये ज्यादा एडवांस है AK-103 से। पहले भारत सोच रहा था कि AK-103 को खरीदा जाए, लेकिन अब इसको खरीदा जा रहा है क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा रिलायबल और ज्यादा अच्छी है। AK-203 में जो बुलेट यूज होता है वो होता है 7.62x39mm का, और इसके रेट ऑफ फायर की बात करें मतलब ये 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकती है तो ये 600 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। अगर इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज की बात करें तो इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 400 मीटर है, और विद फुल एक्यूरेसी मतलब जो दुश्मन है 400 मीटर दूर भी हम उसको मार सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप डिफेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखते रहें। हम जो नई AK-203 खरीद रहे हैं उसका कारण ये है, जो हमारी जो इंसास असॉल्ट राइफल है वो बहुत ही ज्यादा जाम होती है, और वो इतनी ना तो ड्यूरेबल है और ना ही रिलायबल है, वो ना तो ज्यादा ठंडे जो टेम्परेचर में बहुत उसकी जो परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है। वहीं जो AK-203 जो असॉल्ट राइफल है इसमें कोई भी जाम की शिकायत नहीं है, वहीं ये ड्यूरेबल रिलायबल, आप चाहे ठंडे टेम्परेचर में यूज कर लीजिए, चाहे आप इसको कितने भी गर्म टेम्परेचर में कर लीजिए, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सेम रहती है, जैसे जो AK-47 थी उसकी ही तरह ये बिल्कुल परफेक्ट असॉल्ट राइफल है। ये जो असॉल्ट राइफल है ये गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल है, आप इसको ऑटोमेटिक और बस्ट मोड पे यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पे खाली एक बार ट्रिगर दबाई और सारी की सारी मैगजीन खाली हो जाती है, तो यही इसकी कुछ खासियत है। पहले जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसने अमेरिका जो 6x716 जो असॉल्ट राइफल है उनको खरीदा था, और ये खरीदी गई थी 72,600x716। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी है, जो रशियन AK-203 या 6x716, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। अगर आपको वीडियो ज्यादा अच्छी लग जाए तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।